पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश फादर टू सॉन एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। सेंट्रल आइडिया फादर टू सॉन का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये आपका इस हॉर्नेबल बुक का लास्ट चैप्टर है, फादर टू सॉन का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का वीडियोज़ देखने के, लैंग्वेज स्टडी शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ पे ना मिले तो आप लोग पावर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखी गई है यूपी बोर्ड क्लास 11th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश। आप वहाँ पे जाएंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी हॉर्नेबल में चैप्टर हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फादर टू सॉन का सेंट्रल आइडिया, जिसके राइटर एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में पूछेगा, तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। यहाँ पे आपको विचार करना है, केंद्रीय विचार, और मैं इसमें आपको केंद्रीय विचार का पूरा इंग्लिश में तो लिखना है और हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, जिससे आपको कहानी याद भी रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फादर एंड सन हु आर इन अ सीरियस कम्युनिकेशन गैप थ्रू द लाइव इन द सेम हाउस ग्लोब दे आर लाइक स्ट्रेंजर टू ईच अदर द फादर ब्रोड्स ओवर दिस एंड दिस फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द पोएम ही इंटरस्पेक्ट विथ एन एरिजिन इमर्जरी वेयर ही फील्स ही वॉज सोन हिज सीड इन अ स्ट्रेंजर्स लैंड दैट फॉरबिड्स हिम फ्रॉम ओइंग इट ही एडमिट्स दैट ही कैन नॉट शेयर वॉट हिज सॉन लव्स एंड एक्सपेक्ट हिम टू कम बैक होम लाइक द प्रोडिजल लॉस्ट सॉन इन द पैरेबल ऑफ जेसेस इन द बाइबल ही इज रेडी टू फॉरगिव हिम एंड डेवलप अ न्यू लव फ्रॉम सॉरो But his son feels anger growing out of sorrow and admits the vain efforts of both in understanding each other. तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय विचार का हम लोग सेंट्रल आइडिया का इसको हिंदी में समझेंगे। तो कविता पिता और पुत्र के बीच के एक संघर्ष इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गंभीर संचार अंतराल में है। हालांकि वे एक ही घर विश्व में रहते हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह हैं। पिता इस पर विचार करते हैं और यही कविता का केंद्र है। वह एक कृषि कल्पना के साथ आत्मनिरीक्षण करता है, जहां उसे लगता है कि उसने अपना बीज किसी अजनबी के भूमि में बोया है, जो उसे इसके मालिक होने से रोकता है। वह स्वीकार करता है कि वह अपने बेटे को जो प्यार करता है उसे साझा नहीं कर सकता, और उम्मीद करता है कि वह बाइबल में यीशु के दृष्टांत में उड़ाए खोए हुए बेटे की तरह घर वापस आ जाएगा। वह उसे क्षमा करने और दुख से एक नया प्रेम विकसित करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को समझने के व्यर्थ प्रयासों को स्वीकार। यहाँ पे देखिए, सॉरी एक लाइन भूल गया मैं, लेकिन उनके बेटे को लगता है कि दुख में गुस्सा बढ़ रहा है, और दोनों के एक दूसरे को समझने के व्यर्थ प्रयासों को स्वीकार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद आज के लिए।